किसान मित्रों नमस्कार, मैं सुदेश कुमार जिला झुंझुनू से। मैंने ये खेती में 5 साल से कर रहा हूँ। अब इसके रिजल्ट आप जैविक खेती के देखो कि ये देखो, फ्लोरिंग देखो, इनकी ग्रोथ देखो। फिलहाल भी जो कच्चे चल रहे हैं ये मेरे चने हैं, आप देखो खेत में, ये देखो फ्लोरिंग भी अच्छी आ रही है इसके। पिछले 5 साल से वेस्ट डी कंपोजर का उपयोग कर रहा हूँ और ये ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। फल भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, ये देखो फ्लोरिंग अच्छी आ रही है, ग्रोथ भी अच्छी है। ये मेरी गेहूँ है ऑर्गेनिक, ये देखो जिसमें मैं वेस्ट डी कंपोजर का उपयोग करता हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखो गेहूँ, देखो ये मेरे चने की खेती है। ये देखो मैं आपको फल दिखाता हूँ कितने अच्छे बन रहे हैं, ये देखो फ्लोरिंग भी काफ़ी अच्छी है। 5 साल से मैं वेस्ट डी कंपोजर का उपयोग करता हूँ, जो भी कोई चीज़ है वो घर पे ही बनाता हूँ, वो भी आपको मैं आगे दिखाऊंगा, घर पे जो तैयार कर रखा है। ये देखो ये जैविक का रिजल्ट है, दो फल बन रहे हैं एक फूल पे। और इसके देखो गेहूँ है मेरी जिसमें मैंने वेस्ट डी कंपोजर का उपयोग किया है, ये देखो ये चने की फसल है, ये फल, ये फ्लोरिंग देखो आप, ये देखो जैसे एक फूल है इसके दो बन रहे हैं, ये दो फल आ रहे हैं एक फूल के, ये देखो यहाँ देखो आप, ये देखो ये जैविक का रिजल्ट है। मेरे कोई अलग वैरायटी नहीं है, 15-21 चने हैं और ये फ्लोरिंग देखो, ये प्याज है पूर्ण तरह जैविक, घर के लिए 1 बीघा में बुवाई की है। ये मैंने छाछ तैयार कर रखी है, ये डीकम्पोजर है, ये देखो इसमें भी डीकम्पोजर है, इसमें भी डीकम्पोजर है। यह मैंने NPK तैयार कर रखा है, यह एजेक्टोबेटर है और ये गौमूत्र इकट्ठा कर रखा है। यह मेरी गेहूँ फार्म पे से फोटो ले रहा हूँ मैं, ये देखो इसके माध्यम से मैं डीकम्पोजर मंजरे के माध्यम से कुएं पे सेट कर रखी है, उससे चलाता हूँ। धन्यवाद किसान भाई।